अमिताभ बच्चन का मोस्ट पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यही वजह है कि ये शो आए दिन टीआरपी की लिस्ट में आता ही रहता है। वही शो के कॉन्सेप्ट पर जाने माने पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने सवाल उठाया है और इस शो को कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड बता डाला। ये तो हर कोई जानता ही है कि केबीसी में चार लाइफ लाइन्स मिलती है, 50-50, ऑडियंस पॉल, फ्लिप द क्वेश्चन और एक्सपर्ट चॉइस। लेकिन प्रसून ने इस एक्सपर्ट चॉइस वाले लाइफलाइन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया और लिखा, केबीसी के ज्यादातर एक्सपर्ट्स अगर हॉट सीट पर हो तो उन्हें उसी सवाल पर एक्सपर्ट की जरूरत होगी जिस सवाल का जवाब बतौर एक्सपर्ट वो आसानी से दे देते हैं। नोट, क्या एक्सपर्ट महज ताश का जोकर है? ज्ञान नहीं। उनके इस पोस्ट को डालने के बाद ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई है। देखिए जरा कुछ ट्वीट्स। 1.5 घंटे का जोकर जिसके हाथ में गूगल होता है, बात तो 100% तेरी सही है, उनको आंसर पहले बता दिया जाता होगा लेकिन तुमको प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जाता? अगर तुमको सोनी टीवी बुलाता तो ये ट्वीट नहीं करते, समझे वाजपेयी जी? क्या स्टूडियो में होने वाली डिबेट में बुलाए गए विश्व एक्सपर्ट्स होते हैं? बिल्कुल सही। और अगर ऐसा नहीं है तो एक बार हमारे किसी भी सवाल का ऑनलाइन जवाब देकर दिखा दे। तो देखा आपने, जहां कुछ लोग प्रसून की वाट लगाने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी बात पर सहमत हैं और इस शो को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा जब शो में आई थी और उन्होंने एक बहुत ही आसान सवाल का जवाब गलत दे दिया था, तब भी लोगों ने यही कहा था कि सोनाक्षी का गलत जवाब देना स्क्रिप्टेड है, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स ने ऐसा किया है। वेल, अब आप क्या सोचते हैं? जो भी प्रसून ने कहा वो सही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और छोटे पर्दे से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।